Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं फिल्म आमिर अंसारी, आप सभी लोगों का शाहरुख खान की फिल्म पठान के डे नंबर 13 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? पठान वंस अगेन पासेस द सेकंड मंडे लिटमस पेपर टेस्ट विद फ्लाइंग कलर्स. बस रात के जो शोज है वो परफेक्टली करेक्ट तरीके से बैठ जाए, वी विल सी पठान क्रिएटिंग हिस्ट्री वंस अगेन ऑन इट्स सेकेंड मंडे बाय अर्निंग डबल डिजिट्स. फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी क्या होता है भैया. कल जब ऑफिशियल फिगर आएगा तो बहुत मजा आएगा. तो लेकिन आज का एपिसोड शुरू करते हैं डे नंबर 13 के साथ. हमने सुबह देखा किस तरह से डे नंबर 13 2.30 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी. एंड गाइस, ऐसा लग रहा था कि आज ये फिल्म एटलीस्ट 9 से 10 करोड़ के बीच में कैसे भी कमाने वाली है. देखिए गाइस, फ्राइडे 13.50 करोड़ आया था, उसके मुताबिक देखूं तो अगर 40% ड्रॉप हुआ एंड पठान आज अगर 8.30 या 8.50 करोड़ भी कमाती तभी भी ये मंडे टेस्ट जो है पास हो जाती, लेकिन इसने उसके ऊपर की कमाई की है. बात करते हैं मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी. पूरा हफ्ता मंडे से लेकर थर्सडे आई नीड पठान इन डबल डिजिट. एनीथिंग अबाउट 10 इज सुपर वेलकम. शोज बहुत है, 1000 शोज में 10% ऑक्यूपेंसी सुपर सॉल्व्स द पर्पस, टेक्स द कलेक्शन टू 10 करोड़ रुपीज. सिंपल मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे बस 10-10 करोड़ रुपया करना है. ऑब्वियसली 10 डेली नहीं होगा, ऑक्यूपेंसी विल फॉल, लेकिन वी नीड मिनिमल कलेक्शंस. उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे अगेन द पंपिंग विल स्टार्ट इन. तो मॉर्निंग 10.50% की ऑक्यूपेंसी थी. बात करो आफ्टरनून की तो आफ्टरनून में 11% की ऑक्यूपेंसी थी एंड इवनिंग में 14% की ऑक्यूपेंसी थी फॉर शाहरुख खान पठान. मुंबई 1105 शोज, 1105 शोज 9% की ऑक्यूपेंसी. दिल्ली एनसीआर 1473 शोज 12% ऑक्यूपेंसी. पुणे 406 शोज 9%. ठीक है, वेरी गुड, स्टेबल, ठीक है. लेकिन द रियल कलेक्शंस आर कमिंग इन फ्रॉम नंबर बेंगलुरु. 438 शोज में 26% ऑक्यूपेंसी सेकेंड मंडे. 13th डे 26% इज सुपरमैन. हैदराबाद 309 शोज 30% ऑक्यूपेंसी. लुक एट कोलकाता 461 shows 27% occupancy and Chennai 62 shows 24%. यानी कि ये सेंटर्स ने बाकी के सेंटर्स को जो है वो कवर अप कर दिया है एंड इसीलिए आज ये कलेक्शन 10 करोड़ टच कैसे भी करना चाहिए. बात करूं गाइस यहाँ पे अहमदाबाद की 588 shows है 7%, वो उतना ही आने वाला है. बात करें सूरत की 276 शोज में 8% ऑक्यूपेंसी थी एंड बात करूं भोपाल की तो 118 शोज में 30% ऑक्यूपेंसी थी. यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पठान आज कैसे भी 9.5 से लेकर 10.5 करोड़. यस फ्रेंड्स, माय प्रेडिक्शन फॉर पठान ऑन डे नंबर 13 इज 9.50 से लेकर 10.50 करोड़. एंड अगर ये 10 करोड़ भी कमाता है, 10 करोड़ भी कमाता है देन पठान ये कलेक्शंस 439.90 यानी कि 439.90 करोड़ कमाकर केजीएफ चैप्टर 2 का जो रिकॉर्ड है 434.40 करोड़ का, उसको टाटा बाय बाय बोलता है. केजीएफ चैप्टर 2 इज ब्रोकन. अब गाइस, बहुत लोगों की दिक्कतें ये है कि पठान के हिंदी वर्जन ने तो केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ा ही नहीं. तो भाई साउथ से इस फिल्म ने सिर्फ 15 करोड़ कमाया है, सिर्फ 15 करोड़. तुम्हारी यही इच्छा है, तुम्हारी यही डिमांड है, तो अब तो जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, अब तो हो जाए भाई. अब गाइस यहाँ पर हिंदी वर्जन जो है पठान का वो 414.50 करोड़ है. ठीक है, आज अगर ये 9 करोड़ कमाती है पठान विल बी 423.50 करोड़. उसके बाद बस 10 करोड़ है, दो दिन और दे दो, ट्यूजडे वेडनेसडे आपकी वो भी इच्छा जो है वो पूरी कर देंगे. केजीएफ चैप्टर 2 का जो हिंदी रिकॉर्ड है वो भी तोड़ देंगे, लेकिन ऑल सेड एंड डन टोटालिटी में पठान जो है 439.90 वी हैव अ फिल्म इन आर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री विच कैन बोस्ट ऑफ अ स्मैशिंग कलेक्शन विच स्मैश्ड केजीएफ चैप्टर 2 रिकॉर्ड इन जस्ट 13 डेज. रिकॉर्ड तोड़ा बहुत बड़ी बात है, ये छोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन 13 दिन में तोड़ा ये इंपॉर्टेंट है. वो रिकॉर्ड जो केजीएफ चैप्टर 2 ने 57 डेज में बनाया वो पठान यहां खड़े खड़े 13 दिन में तोड़कर गई, ये गर्व की बात है, ये शान की बात है, ये यहां प्राउड होने की बात है. दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब गाइस बात करते हैं यहां पर कि एग्जैक्टली कलेक्शंस कहां तक चल रहे हैं. तो इंडिया में कलेक्शंस जो है गाइस यहां पर 12 डेज में वो 429.90 यानी कि 429.90 करोड़. ग्रॉस होता है कितना, 515 करोड़. ओवरसीज 317. अब इंडिया का तो देख लिया 10 करोड़, इसका ग्रॉस आएगा 14. ओवरसीज आज ये पिक्चर 12 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है, ऊपर नीचे हुआ
भैया क्या ऊपर नीचे चढ़ाइए भाई, पेड़ा खिला देंगे भाई। जस्ट सी दिस, शाहरुख खान पठान इज अर्निंग मोर देन व्हाट इट इज अर्निंग इन इंडिया इन द ओवरसीज मार्केट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड यूफोरिया। 12 करोड़ ओवरसीज और इंडिया 10। क्रेज तो 10 का ग्रॉस जो होएगा इंडिया का 14, ओवरसीज 12, यानी कि पिक्चर आज कैसे भी 26 करोड़ के एक्सेस में कमाने वाली है, यानी कि 832 करोड़ इन 12 डेज फॉर पठान। अगर उसमें मैं यहाँ पर 26 करोड़ ऐड कर दूं तो 1000 करोड़ का सपना है, जो मंजिल अपनी दूर है पर जाना जरूर है, अब गाइज वो हो जाएगी 858 करोड़। द एक्साइटमेंट इज इंक्रीजिंग, इट्स माउंटिंग डे बाय डे, क्योंकि गाइज रोज रोज मौके नहीं आएंगे हिंदी फिल्म के लिए 1000 करोड़ टच करने के लिए। इस बार ये मौके को हाथ से जाने नहीं देना है कैसे भी करके, मौका मिले और ऐसी नौबत आए तो सारा चौथे हफ्ते में सब जाओ वापस से डबल डबल बार पिक्चर देखने के लिए, लेकिन कैसे भी करना है इसको अब 1000 करोड़, बस इट्स दैट्स इट, तक तोड़ेगा नहीं तक छोड़ेगा नहीं, अब ये ठान लेना सबको। एंड गाइस 858 करोड़ रुपीज 13 दिन में, लोगों को लग रहा है कि पठान कलेक्शन बस 14-15 दिन में समाप्त हो जाएंगे, ये पिक्चर खत्म होने के कगार पर है। वो ये भूल रहे हैं कि पठान 50 डेज कैपेबिलिटी रखता है बॉक्स ऑफिस पर चलने के लिए, एंड उसके बाद 1000 करोड़ करने के लिए सिर्फ 142 करोड़ होगा। गाइज वी कैन डू दिस, दिस इज पॉसिबल, दिस विल बी डन, पठान विल टच 1000 करोड़ रुपीज एंड ये फैंस करेंगे। लाइन देखा कल संडे को, मैंने बहुत साल बीत गए, हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे ना वो टाइम पर, ऐसी लाइनें लगती थी गेटी से, जो पहला थिएटर है गेटी से लेकर रेल फाटा जो है कोने से लाइन जाती है वहां तक जाती थी, यूजली गेटी की लाइन अंदर पार्किंग लॉट तक टर्न होती थी, ये पूरे फाटे तक लाइन गई थी कल। एब्सोल्यूट क्रेजी सीन्स, सिंगल स्क्रीन ऑडियंस पठान मूड में नहीं है छोड़ने के लिए, दे आर वॉचिंग इट 2 times, 3 times, 4 times, ब्रिलियंट गाइस, दैट इज व्हाट इज वांटेड, थिएटर्स भर रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सी गाइस, कल ऑफिशियल कलेक्शन का इंतजार करेंगे। भैया कुछ पॉइंट तो मिस नहीं कर रहा ना भाई, सब बता दिया भाई, रुक जाओ अभी गाइस। ओवरसीज ये फिल्म फिलहाल 317 करोड़ है, तो यशा ने जो कलेक्शन दिया है वो 38.68 करोड़, तो आज के रेट के हिसाब से अगर कन्वर्जन करें तो वो 320 करोड़ होता है। अब यशा ने कौन से रेट के हिसाब से कन्वर्जन करके 317 करोड़ लाया है, क्योंकि ब्रेकडाउन की बात करें नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूएस एंड कैनेडा 14.30 मिलियन का बिजनेस किया है, इसका रुपए में कन्वर्जन होता है 118.35 यानी कि 118.35 करोड़। यूएई जीसीसी में फिल्म ने 11.41 मिलियन कमाया है, यानी कि रुपए में होता है 94.43 करोड़। बात करू गाइज यूके एंड आयरलैंड की, वहां पे फिल्म ने 4.15 मिलियन की कमाई की है यानी कि 34.34 करोड़, एंड ऑस्ट्रेलिया में 2.87 मिलियन यानी कि 23.75 करोड़ कमाया है। एंड गाइज बात करो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, उसने 5.45 मिलियन यानी कि 49 करोड़ की कमाई की है। तो वायरफ ने जो फिगर दिया है वो 317 का दिया है, तो मान के चलते हैं ऑफिशियली आज के कन्वर्जन के हिसाब से 270.8, आज के कन्वर्जन के हिसाब से 320 करोड़ होता है, सॉरी ओके, तो 317 करोड़ ओवरसीज, 429.90 करोड़ इंडिया नेट, इसका ग्रॉस होता है 515। पठान राइट नाउ इज 832 करोड़ रुपीज, आज का प्रेडिक्शन 9.5-10.5 करोड़ रुपए, एंड वर्ल्ड वाइड कल वायरफ अगर पोस्टर दिया तो 858 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन देगा। ओके गाइस, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, मैंने सारे के सारे डाउट्स जो एपिसोड में क्लियर कर दिए हैं, आई डोंट सी एनी डाउट्स रिमेनिंग और पेंडिंग। पेंडिंग क्या पता भैया, लाइक एपिसोड पर लाइक करना पेंडिंग है, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।